Good morning class, this is our new annual physio class in which today we will study about the last remaining portion of pancreas. This is our last class of pancreas, or we can say this is our last class of almost last class of accessory organs of GI tract. तो हमने पेनक्रियाज के अंदर सबसे पहली क्लास के अंदर उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसका हेड पार्ट पढ़ा था. फिर सेकंड क्लास में अपन ने उसके नेक, बॉडी, टेल पढ़ी थी, उसकी सरफेसेस पढ़ ली थी, उसकी डक्ट्स पढ़ ली थी. डक्ट्स के बाद अब हम ब्लड सप्लाई पढ़ लें, ड्रेनेज पढ़ लें, नर्व सप्लाई पढ़ लें, ये बाकी रह गया था अपना. तो सबसे पहला आर्टरियल सप्लाई ऑफ पेनक्रियाज. तो पेनक्रियाटिक ब्रांचेज ऑफ द स्प्लेनिक आर्टरी, सुपीरियर पैनक्रेटिको ड्यूडिनल आर्टरी और इन्फीरियर पैनक्रेटिको ड्यूडिनल आर्टरी, ये सारी आर्टरियल सप्लाई है पैनक्रियास की. ये डायग्राम में देख लीजिए भाई, स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये इलियक वाई ग्राफ बताया गया, पोर्टल वेन, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी दिखाई गई है, सुपीरियर पैनक्रेटिको ड्यूडिनल आर्टरी दिखाई गई है, कॉमन बाइल डक्ट है ये पास में पेल कलर की, इस रेड से कलर की स्ट्रक्चर के पास में पेल कलर की स्ट्रक्चर जिसको आप कॉमन बाइल डक्ट कह रहे हैं. ये नीचे से जो थोड़ी सी जिगजैग टाइप की स्ट्रक्चर है वो इन्फीरियर पैनक्रेटिको ड्यूडेनल आर्टरी है. तो तीन तो हमने आर्टरियल सप्लाई पड़ी पेनक्रियास की. अब वीनस ड्रेनेज, तो वेन जो ड्रेन होती है वो स्प्लेनिक, सुपीरियर मेसेंट्रिक और पोर्टल वेन्स, ये तीन वेन्स है, तीन आर्टरी थी, तीन वेन्स है, स्प्लेनिक, सुपीरियो मेसेंट्रिक और पोर्टल वेन्स. डायग्राम में देखिए भाई, पोर्टल वेन यहाँ पर राइट में सबसे ऊपर दिखाई गई है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सुपीरियर पेनक्रेटिक और ड्यूडिनल वेन दिखाई गई है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, स्प्लेनिक वेन, ये इन्फीरियर पैनक्रियाटिक वेन, इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक वेन, एंटीरियर पोस्टीरियर इन्फीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडिनल वेन और एंटीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडिनल वीनस एरकेट. अब लिम्फैटिक ड्रेनेज सुन लीजिए, रिच पेरी एसिनर नेटवर्क जो है वो ड्रेन होता है पांच नोडल ग्रुप के अंदर. तो ये नोड्स अभी आए थे, मैंने पेनक्रियास के स्टार्टिंग में बताया था ना, ये नोड्स हैं, सुपीरियर नोड, एंटीरियर नोड्स, इन्फीरियर नोड्स, पोस्टीरियर पीडी नोड्स और स्प्लीनिक नोड्स, ये पांच नोड्स हैं. ये यहाँ पर देख लीजिए सारे नाम नोड्स एकदम क्लियर, अच्छे से साफ साफ दिखाए गए जो अभी तक नाम अपन ने लिए, सुपीरियर पाइलोरिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक, पैनक्रेटिको ड्यूडिनल, रूट ऑफ मेसेंट्रिक, एओर्टिक, सुपीरियर मेसेंट्रिक, इन्फीरियर पैनक्रियाटिक. अब पैनक्रियास, क्योंकि हमने बोला ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड के रूप में एक्ट करता है, क्योंकि भाई अभी तक जो हमने पढ़ा वो था एनाटॉमिकल पोर्शन ऑफ द पैनक्रियास. हमने पैनक्रियास की एनाटॉमी पढ़ लिया, फिजियोलॉजी भी पढ़ लें, तो फिजियोलॉजी में हमारे को फंक्शन पढ़ना है पैनक्रियास का. तो पेनक्रियास का फंक्शन जो है वो बोथ ग्लैंड की तरह एक्ट करती है पेनक्रियास, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी. एक्सोक्राइन पेनक्रियास जो है उसमें लार्ज नंबर ऑफ लॉब्यूल्स इन्वॉल्व रहते हैं जो कि स्मॉल एसिनाई के बने होते हैं. इनकी वॉल जो है वो सीक्रेटरी सेल्स की बनी होती है, ये लार्ज नंबर ऑफ लॉब्यूल से बने होते हैं, लॉब्यूल स्मॉल एसिनाई से बनी और इनकी दीवारें सीक्रेटरी सेल से बनी होती है. हर एक लॉब्यूल जो है वो ड्रेन होती है टाइनी डक्ट के द्वारा और ये यूनाइट हो करके इवेंचुअली पैनक्रियाटिक डक्ट बनाते हैं जो कि एक्सटेंड होती है ग्लैंड के होल लेंथ में और ड्यूडेनम में ये ओपन होती है. एक्सोक्राइन पैनक्रियास का फंक्शन क्या है, पैनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करना जिसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्ब, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं. एक्सोक्राइन पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है जिसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं और वो एंजाइम्स कार्ब, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने काम आते हैं. एलिमेंट्री ट्रैक्ट के अंदर पैरासिम्पथैटिक स्टिम्यूलेशन जब बढ़ता है तो वो, या पैरासिम्पथैटिक स्टिम्यूलेशन जब मिलता है एलिमेंट्री ट्रैक्ट को तो उससे पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रीशन बढ़ जाता है और सिम्पथैटिक स्टिम्यूलेशन से पैनक्रियाटिक जूस का सीक्रीशन बंद हो जाता है.
या कम हो जाता है, तो पैरासिम्पैथेटिक पैनक्रेटिक जूस को रिलीज करवाते हैं, सिम्पैथेटिक जूस को डिप्रेस करवाते हैं। तो ये तो हुआ एक्सोक्राइन पोर्शन। अब एंडोक्राइन पोर्शन देखिए भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ग्लैंड ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड द पैनक्रियाटिक आइलेट्स, जिनको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन सेल्स कहते हैं, कि पैनक्रियाज के अंदर, पूरे पैनक्रियाज के अंदर, पूरी ग्लैंड के अंदर स्पेशलाइज सेल्स फैली हुई रहती है, जिनको आप आइलेट ऑफ लैंगरहैन कहते हैं। ये आइलेट जो है, इनमें डक्ट्स नहीं होती, इसलिए ये अपने हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं, इसलिए हम इसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं पैनक्रियाज को। एंडोक्राइन पैनक्रियाज इंसुलिन ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन को रिलीज करती है, जो कि प्रिंसिपली ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करते हैं। बाय आइलेट ऑफ लैंगरहैन से बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स इंसुलिन को और अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन को सीक्रेट करेगी। तीन तरह की सेल्स होती, तीसरी होती डेल्टा सेल्स, जो कि सोमेटोस्टैटिन का सीक्रेशन करती है। तो ये तीन तरह की सेल्स दिखाई गई हैं जो पैनक्रियाटिक हार्मोन को प्रोड्यूस करी, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन को, बीटा सेल्स इंसुलिन को। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स है, और तीसरी सेल्स है डेल्टा सेल्स, जो कि सोमेटोस्टैटिन नाम के हार्मोन को प्रोड्यूस करती है। बस इसके साथ आपका ये एसेसरी ऑर्गन का पार्ट जीआई का ख़त्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है।